वेरी गुड इवनिंग एवरी वन माई नेम ए शुभम सिंह हानिया एंड आई एम योर मैंट फॉर यू जी सी नेट पेपर वन पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट तो आज हम यहाँ आए हैं शामिल हुए हैं आप सबके साथ इन ऑर्डर टू हैव दिस वफुल क्वेस ऑफ फिफ्टी क्वेश्चन जिसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लेंगे सो so, आज मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मुझे ज्यादा बताना ना पड़े रादर आई वुड चेक दैट हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन कैसे आपकी तैयारी चल रही है एंड किस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को तैयार किया है तो जल्दी से हमें ज्वाइन कर लीजिए आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्ट्रेट अवे ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड तो बहुत जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मुझे आपको कुछ भी नहीं करना बहुत ही सिंपल तरीका है अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए अगर आपके फ्रेंड्स हैं वहां पे भी डाल दीजिए डैट वी आर स्टार्टिंग विद द मेंटी क्विज तो बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज आ, मेंटी पे क्विज करा दीजिए एक बार इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं हम देखना चाहते हैं कैसी चल रही है हमारी परफॉर्मेंस तो आज हम मेंटी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड देर आर गोइंग टू बी फिफ्टी क्वेश्चन ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड तो आपको ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको दोबारा बता देता हूं आपको डब्ल्यू पे जाना है एंड ये कोड एंटर करना है कोड देखिए टॉप पे दिया हुआ है वन वन सिक्स जीरो सिक्स फोर एट नाइन दिस इज योर कोड ये कोड आपको ज्वाइन करना है एंड ये कोड ज्वाइन करके आप हमारे साथ इस क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैं आपको बता दूं कि आप जितनी जल्दी आंसर करेंगे आपको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे एंड लास्ट में हम लीडर बोर्ड पर देखेंगे दैट हु हैज स्कोर्ड द हुई तो ये हमें करना है आज तो आई जस्ट वेट फॉर वन और टू मिनट्स लेट सम अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो ज्वाइन मैं आपको बता दूं आपको चैट पे नहीं करना है कुछ भी एंटर कहीं भी चैट पे डालने की जरूरत नहीं है यू जस्ट हैव टू लॉग इन लॉग इन करने के लिए डब्ल्यू डब्ल्यूब्ल्यू डॉट मेन्टी डॉट कॉम पे चले जाइए एंड ये कोड टॉप पे गिवन है न वन सिक्स जीरो सिक्स फोर एट नाइन दिस इज द कोड मैं चैट में भी डाल दे रहा हूं आई एम पुटिंग इट इन जीरो सिक्स फोर एट नाइन दिस इज आर कोड सो आप इस कोड से ज्वाइन कर सकते हैं हमें एंड यू कैन टेक पार्ट इन दिस क्विज प्लीज इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स ऑल्सो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए हो सकता है उन्हें ना पता हो अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उनको नोटिफिकेशन नहीं गई होगी तो प्लीज अपने दोस्तों को बता दीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड दे कैन टेक पार्ट इन दिस वंडरफुल क्विज मैं साथ साथ कोशिश करूंगा कि जहां जहां मुझे कुछ डिफिकल्ट टर्म्स लगेंगे वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा तो अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है सो यू हैव टू टेल मी इन द चैट बॉक्स उस टाइम पे आप मुझे चैट बॉक्स पे बता सकते हैं ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर सकूं दो मुझे लगता है कि अगर आज तक के आपने सारे लाइव सेशन हमारे अच्छे से देखे होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बट जैसे कि कहते हैं कि हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ आपको नया जरूर कराऊं तो कम से कम पांच से सात क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो नए टॉपिक से होंगे तो वहां पे आपको कुछ नया भी सीखने मिलेगा तो प्लीज फोकस ऑन डेट ऑल्सो वेरी गुड इवनिंग संगमित्रा अलका अभिनय हरी काफी सारे लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है कुछ सी अमेजिंग पार्टिसिपेशन सो प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एंड यू कैन टेक पार्ट इन दिस क्वेश्चन टू मिनट्स एंड देन आई स्टार्ट ओके तो जल्दी से हमें ज्वाइन कर लीजिए मी सी कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है एक बार आई एम जस्ट पुटिंग अप द मैसेज इन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल ताकि वहां से भी कोई स्टूडेंट मिस ना हो वरना बाद में मुझे कंप्लेन आती है कि सर हमें तो नोटिफिकेशन ही नहीं आई सो एम जस्ट क्विकली पुटिंग इट इन द चैट बॉक्स जल्दी से मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ एंड देन वी कैन क्विकली बिगेन वंडरफुल तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है आई कुड सी प्रिया मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको गूगल पर सर्च कर लीजिए गूगल क्रोम पर चले जाइए जस्ट पुट इट मेंटी डॉट कॉम डब्ल्यू 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 डॉट मेंटी डॉट कॉम एंड उसमें एक कोड डालना है आपको कोड एंटर करना है दैट इज वन वन सिक्स जीरो सिक्स फोर एट नाइन So, 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपको तो एटलीस्ट आपको यह पता चल जाएगा कि की आपकी कैसी है? Last, में आपको मुझे अभी कुछ दिन पहले मैंने इंडियन लॉजिक की ली थी प्रोबेबली मिस हो गई होगी अलका बट हाँ ये जरूर है कि आज मेटी पे हम बहुत दिनों बाद प्रैक्टिस करने वाले हैं बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है बिना सिलेबस कंप्लीट किए नो यूज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन मैंटी बट आज हम जरूर सोल्व करेंगे बस हम स्टार्टिंग करने वाले हैं एक दो मिनट में आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन आप भी अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए दैट टू डे वी आर हैविंग मेटी क्वेस अगर उन्होंने मिस कर दिया है सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक पड़ा एंड आई कुल सी वेरी कलरफुल डायग्राम्स कमेंग बहुत ही अच्छे अच्छे डायग्राम्स आ रहे हैं वेरी गुड इवनिंग वर्णिका स्नेहा इंद्रजीत आदित्य ऑल्सो रेखा ऑल्सो तो आई होप दैट एवरीबडी हैज ऑल्सो द डिटेल्स मैं आपको दोबारा लास्ट टाइम बता रहा हूँ आप गूगल क्रोम खोल के किसी भी uh, इंटरनेट ब्राउजर पे जाके डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू डॉट डॉट कॉम पर जा सकते हैं एंड वन वन सिक्स जीरो सिक्स फोर एट नाइन ये कोड डाल के एंटर कर सकते हैं इस क्विज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है आप डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं ओके सो नाउ आई एम स्टार्टिंग आई एम नॉट वेटिंग एनी फर्दर अब जिसको इसको ज्वाइन करना है वो बीच बीच में मेंटी में के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं कोई डाउट हो सो प्लीज लेट मी इन द चैट बॉक्स ठीक है सो लेट्स स्टार्ट नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं कि लास्ट टाइम मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए इसलिए आज हमने फोर्टी फाइव सेकेंड्स रखे हैं ओके okay? प्रिया आई कैन नॉट चेक दैट मैं उसको चेक नहीं कर पाऊंगा अगर आप ज्वाइन कर चुके होंगे तो आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा ओके सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ रिस्पॉन्डेंट्स वर आज टू क्लासीफाई दिन टू वेरी ऑफेन ऑफेंस टाइम्स फ्यू एंड नेवर यह क्लासीफिकेशन ये क्वेश्चन बना के दिया गया था स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्डेंट्स को इस क्वेश्चनार के अंदर क्या मिस्टेक है यह आपको आइडेंटिफाई करना है यह आपको बताना है मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज हमने फोर्टी फाइव सेकेंड्स रखे हैं क्वेश्चन के बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने दो तीन बार कराया मिनटी क्वेस्ट आई हैव कैप्ट थर्टी सेकेंड्स इन स्टूडेंट की कंप्लेन थी कि सर कम टाइम मिलता है तो आज फोर्टी फाइव सेकंड हमने रखे हैं बट आप जितनी जल्दी आंसर करेंगे आपको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे ओके सो सी कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं लेट मी सी ओके ट्वेंटी फोर स्टूडेंट आर अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एंड इट इज कंफ्यूजिंग क्यों कंफ्यूजिंग है बिकॉज वेरी ऑफन ऑफन समटाइम्स फ्यू टाइम्स हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा हर आप uh, कैंडिडेट के लिए हर पर्सन के लिए ये अलग अलग माना जाएगा इसलिए यहां पर यह एलिमेंट दिया हुआ है आई होप दिस इज वेल क्लियर टू एवरी वन लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं

और शी मस्ट है कौन सा डेटा यहाँ पे कलेक्ट हुआ है कौन सा टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट हुआ है टाइम सीरीज डेटा इज इट सेक्शन डेटा इज इट अ प्राइमरी डेटा तो ये चार तरीके के डेटा हैं आपके पास ये आपको बताना है कि कौन सा डेटा यहाँ पे कलेक्ट हुआ है वॉट इज द काइंड ऑफ डेटा दैट हेज बीन कलेक्टेड जल्दी से मुझे आंसर बताइए आई नो यू ऑल नो द आंसर यू हैव डिस्कस द टाइप ऑफ डेटा पहले भी हमने डिस्कस किया था एंड द टाइम इज आपके थर्टी स्टूडेंट्स आर अ टाइम सीरीज डेटा एंड इज एब्सोलूटली करेक्ट ध्यान रखिए ट्रेंड इन परफॉर्मेंस पूछी जा रही है ट्रेंड का मतलब टाइम से होता है कि टाइम पीरियड में कैसे चीजें चेंज हुई हैं एंड देर फॉर द करेक्ट आंसर इज टाइम सीरीज ठीक है the निकिता अलका अरिजीत मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप क्विज को ज्वाइन करिए यहां पर कॉमेंट मत करिए इट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल आप अपनी परफॉर्मेंस इवेलुएट नहीं कर पाएंगे अगर आप यहां पर आंसर करेंगे डब्ल्यू 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 आप ये कोड एंटर कर सकते हैं वन वन सिक्स जीरो सिक्स फोर एट नाइन एंड यू कैन टेक पार्ट इन दिस तो सब लोग प्लीज क्विज ज्वाइन करिएट्स मूव टू दर्ड क्वेश्चन नाउ थर्ड क्वेश्चन से दट क्वेशन इन दी स्टेड मिस्टर जेड प्रिंसिपल ऑफ अलस्टर जेड जो कि प्रिंसिपल है किसी स्कूल के कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन विद्यू टू एक्सप्लोर देयर इन्हांसमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा कर देखना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्लब्ल्यू डॉट मेटी डॉट कॉम पर चले जाइए कोड एंटर दीजिए रिसर्च और प्राइमरी रिसर्च इन चार में से कौन से टाइप की रिसर्च यहां पे यूज करी जाएगी मी सी कितने लोग सही जवाब देते हैं आई थिंक आज फोर्टी फाइव सेकेंड है तो आपको इनफ टाइम मिल रहा है एंड द टाइम इज अप थर्टी फोर स्टूडेंट्स आर सेक्शन रिसर्च एंड इट इज एप्सोलूटली करेक्ट सो वेरी गुड गोइंग एवरी वन बहुत ही अच्छा जा रहे हैं अभी तक मेजोरिटी लोगों ने सही आंसर दिया है एंड कंपेरेटिवली क्वेश्चन ईजी भी है स्टार्टिंग में लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाव अकाउंट जयकू रेसी देख लीजिए डब्ल्यू 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 डॉट मी डॉट कॉम पर चले जाइए और कोड एंटर कर दीजिए प्लीज वन वन सिक्स जीरो सिक्स फोर एट नाइन दैट इज द कोड मिस्टर हेमंत इज कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आप पी करना चाहते हैं फाइनेंस के अंदर ही फॉलोज द बिलो मैंशन प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रिंसिपल आपको सही प्रिंसिपल बताना है मैं पढ़त भी दे रहा हूं आपके लिए ऑप्शन ही गिव्स प्रॉपर रेफरेंसेज टू द प्रीवियस ऑथर्स ही यूजेज इज फ्रेंड एज रिस्पॉन्सेज ड्यू टू लैक ऑफ रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था तो फ्रेंड से डेटा कलेक्शन कर लिया ही कैलकुलेट सैंपल बेस्ड ऑन साइंटिफिक फॉर्मूला ही यूजेस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक तो ये चार एलिमेंट्स उन्होंने फॉलो किए आपको बताना इसमें से आइडेंटिफाई द इन करेक्ट वन इनमें से कौन सा गलत प्रिंसिपल है ये आपको बताना है लेटमी सी हू गिव कर फ्रेंड्स प्लीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्स की वजह से यूज कर रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ रीजन भी बताता जा रहा हूं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर द डे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से एंड आई हैव टू बी अ लिटिल क्विक डैश इज डिफाइंड एज अ मार्केट रिसर्च मेथड दैट ऑन फोकसनिंग डेटा थ्रू ओपन एंडेड एंड कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन मतलब कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है जो ओपन एंडेड या फिर कॉन्वर्सेशन के थ्रू डेटा कलेक्शन करता है दैट इज द क्वेश्चन लेट मी जस्ट रीड ऑन टू द ऑप्शन नाउ इज इट क्वानिटेटिव रिसर्च इज इट क्वालिटेटिव रिसर्च इज इट एनालिटिकल रिसर्च और इज इट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो ये आपके चार ऑप्शन है मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कोई भी टर्म अगर आपको नहीं समझ में आता है आप मुझे चैट में कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है एंड जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक आप www.menti.com पे चले जाइए वो आपसे एक कोड मांगेगा एक कोड एंटर कर दीजिएगा जो यहां पे स्लाइड के टॉप पे गिवन है दैट इज तो ये अगर आप कोड एंटर कर देंगे तो यू विल बी एबल टू यू विल बी एबल टू एंटर इट ओके सो लेट सी कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं We are just waiting. Okay, so 35 students have given the correct answer and that is qualitative research. So very good going. Let's move to the next question. We are going towards the sixth question now. जल्दी जल्दी आंसर करिएगा जितने ज्यादा जल्दी आंसर करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे ओके विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वन ऑफ द methods ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च का एक मेथड नहीं है That इज वॉट यू हैव टू आइडेंटिफाई नरेटिव मेथड कॉन्टेंट एनालिसिस सर्वे मेथड और इज इट एथनोग्राफी रिसर्च इन चारों में से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड नहीं है ये आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर अगर मैं रिफ्रेस करूं तो इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड है ये आपको बताना है वेरी वेरी इजी क्वेश्चन लेट मी सी कितने लोग जवाब देते हैं वी हैव इनफ टाइम वी आर गेटिंग एग्जैक्टली उतना ही टाइम हमने आज डिसाइड किया है जितने टाइम में आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फाइव सेकेंड हमने दिए हैं पर क्वेश्चन के लिए जिसमें थोड़े बहुत आपको शिफ्टिंग का टाइम लगेगा सोचने का टाइम लगेगा एंड so हम कोशिश करेंगे कि घंटे के अंदर क्वेश्चन सही करें ओके सो ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट ओनली द करेक्ट आंसर दैट इज सर्वे मेथड सर्वे मेथड बेसिकली क्वांटिटेटिव मेथड का पार्ट बनता है कॉन्टेंट श्योर यहां पे आपको कुछ नया सीखने मिला होगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड गोइंग गीतांजलि गीतांजलि प्लीज क्विज को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सके क्विज को ज्वाइन करने के लिए आपको ऊपर मेन्टी डॉट कॉम पर जाके गूगल सर्च करके ये कोड एंटर कर देना है ओके लेट्स हैव लुक एट द क्वेश्चन नाउ डैश इज अ फॉर्म ऑफ रिसर्च बायस वेयर एन अनफेयर अमाउंट ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड टू द सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट से है एंड फोर्सिंग देम टू कंप्लीट द रिस्पॉसिस क्विकली मतलब जल्दी जल्दी आप रिस्पॉन्स कंप्लीट करवाना चाहते हैं यू आर इन बिट हरी जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना चाहते हैं तो यहां पर कौन से टाइप का बायस हो रहा है यह आपको बताना है इज इट अ मेजरमेंट बायस इज इट अ प्रोसीजरल बायस इज एज इट एन इंक्लूसिव बायस कि किसको इंक्लूड करना था किसी और को इंक्लूड कर दिया और इज इट एन ओमिशन बायस तो ये चार टाइप के बाइसेज हैं आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सिचुएशन में कौन सा बायस हो रहा है लेट मी सी कितने लोग सही जवाब देते हैं एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने हमारे को ज्वाइन कर रखा होगा ओके सो लेट मी सी ओके ट्वेंटी करेक्ट आंसर वेरी गुड गोइंग प्रोसीजर में प्रॉब्लम है बिकॉज आप जल्दी जल्दी भरने के लिए पुश कर रहे हैं ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नाउट इज द एथ क्वेश्चन हम बहुत अच्छा चल रहे हैं काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं आप लोग सिंघानिया एट ऑल ट्वेंटी नाइनटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ च ऑफ द एलिमेंट लिस्टेड बिलो इन टर्मस ऑफ राइटिंग अ रिसर्च पेपर सो अभी हमने एक पोल भी कंडक्ट किया था आपके टेलीग्राम ग्रुप पे बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं प्रपोजल कैसे बनाते हैं सो विल ऑन दैट एज वेल सो प्लीज उस पोल में पार्ट जरूर लीजिएगा सो दैट यू कैन टेल मी योर इंटरेस्ट तो ये आपको बताना है कि सिंघानिया एटॉल अगर कहीं पे यूज हुआ है रिसर्च पेपर के अंदर तो ये कौन सा एलिमेंट है इज इट अ रेफरेंसिंग स्टाइल इज इट असन इज इट अब्लोग्राफी और इज इट बोथ ए एंड बी तो दैट इज अ क्वेश्चन तो जैसे कि एन काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने लगा है प्रैक्टिकल ब्लेंड पे पूछ रहा है प्रैक्टिकल एरिया से पूछ रहा है सो डिफ्रेंसिंग स्टाइल क्योंकि आपके सिलेबस में है तो दे आर हाई चांसेस कि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाए लेटमी सी कितने लोग सही जवाब देते हैं मथुरा प्रसाद प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए आप हमारे क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं बाय गोइंग टू द मेंटीज वेबसाइट ओके सो ओनली सेवेंटीन स्टूडेंट्स आई एम वेरी सैड हेयर बिकॉज जब भी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूं तो मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स उनको मिस कर जाते हैं सो प्लीज डो नॉट डू दिस आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए यहां पे आप साइटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं रेफरेंसिंग में सारी डिटेल आती है सिर्फ ऑथर नहीं आता है उसके अंदर जर्नल भी आता है जर्नल का वॉल्यूम भी आता है जर्नल का पेज नंबर भी आता है तो वो सारी की सारी चीजें आती हैं एंड बिब्लोग्राफी के अंदर हम बुक्स एंड बाकी सारी चीजें इंक्लूड करते हैं सो दैट इज द डिफरेंस ठीक है तो क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने गलती करी थी इसलिए मैंने आपको रीजन भी बता दिया मथुरा साइमा प्लीज ज्वाइन कर लीजिए मेंटी पे जाके कोड एंटर करके अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग स्ट्रेटेजी दैट यूजेस मोस्ट इजिल एक्सेसिबल पीपल और ऑब्जेक्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी इज नोन एज डैश मतलब जो सबसे आसानी से आपको एक्सेसिबल हैं, अगर आप उनको अपनी स्टडी में इंक्लूड कर लेते हैं सो व्हाट इज दिस नोन एज व्हाट इज दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग कौन से टाइप का सैंपलिंग यहां पे यूज हो रहा है इज इट पर सैंपलिंग इज इट कोटा सैंपलिंग ज इट एक्सीडेंटल सैम्पलिंग और इज इट स्नोबॉल सैंपलिंग प्लीज यूज यमन सेंस ऑल्सो कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है सो so ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग मैं देख पा रहा हूं. Let me सी कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं सो आई थिंक आज आपको टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी टाइमिंग सफिशियंट लग रही होगी एडिकुएट लग रही होगी सो द टाइम इज आप लेट सी ओके सो ओनली नाइनटीन स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर एक्सीडेंटल सैंपलिंग इज जस्ट द अदर नेम फॉर योर कन्वीनियंस सैंपलिंग कन्वीनियंस सैंपलिंग एक्सीडेंटल सैंपलिंग दोनों एक ही चीज होती है दिस इज जस्ट द अदर नेम पर्पजिव सैंपलिंग नहीं हो सकता परपजेज में पर्पज क्लियर होना चाहिए यहां वर्ड एक्सेसिबल यूज किया गया है ओके देर फॉर द करेक्ट आंसर वुड बी एक्सीडेंटल सैंपलिंग मैथिली प्लीज मेन्टी डॉट कॉम पर जाकर कोड एंटर करके क्विज ज्वाइन कर लीजिए वहां से आप अपनी फॉर्मेंस को प्रॉपरली इवेलुएट कर पाएंगे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन फॉर द डे डैश ऑफ अ डैश इज टू जनरेट सपोर्ट ऑन एन इशू दिखाता है कि ऑथर की अंडरस्टैंडिंग क्या है तो कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर इशू के ऊपर सपोर्ट लेते हैं दैट इज वॉट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इज इट थ्रू रेफरेंस पेपर्स इज इट थ्रू लिटरेचर रिव्यू इज इट थ्रू पोजिशन पेपर्स और इज इट थ्रू गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ये चार ऑप्शंस हैं आपके सामने बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन बट यू विल ओनली बी एबल टू आंसर इफ यू नो द कंसेप्ट तो लेट मी सी कितने लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है वेरी इजी क्वेश्चन आई होप आप सब इसका सही जवाब दे पाएंगे लेट्स वेट फॉर द टाइम एंड देन वील गेट टू नो ओके थ्री टू एंड वन लेट सी द टाइम इज अप ओके okay, सो so बहुत ही मिक्स आंसर्स बट ओनली सेवनटीन स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर इसका मतलब है कि आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा देखिए यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है सपोर्ट एन ऑन एन इशू सपोर्ट ऑन अ रिसर्च गैप नहीं पूछा हुआ है अगर रिसर्च गैप पूछा जाता तो आप लिटरेचर रिव्यू या रेफरेंस पेपर आंसर करते सपोर्ट ऑन एन इशू पूछा गया है पोजिशन पेपर वो होते हैं जो आप स्पेशली प्रिपेयर करते हैं अपने इशू को सपोर्ट करने के लिए दैट इज वॉट पोजिशन पेपर मीन ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन आई एम श्योर आपको मजा आ रहा होगा काफी कुछ सीखने मिल रहा होगा बिकॉज माई आइडिया इज नॉट टू जस्ट गिव यू क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में आए हैं बट टू एक्सप्लेन यू सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन क्वेश्चन नाउ देखते विच द स्कोर ऑन एन इंस्ट्रूमेंट आर रिलेटेड टू द स्कोर ऑन अनदर इंस्ट्रूमेंट एडमिनिस्ट्रेट एट द सेम टाइम मतलब एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं आप लेट से यूज कर रहे हैं मैं आप्जाम्पल भी बता रहा हूं दूसरे साइट आप इूज e यूज कर रहे हैं डेटा सारा का सारा सेम है सेम टेक्निक लगाई जा रही है वॉट इज दिस नोन एज इज इट अ काइंड ऑफ अ पायलट स्टडी क्या यह पायलट स्टडी है क्या यह कंटेंट वैलिडिटी है कंटेंट वैलिडिटी आपको याद हो मैंने वैलिडिटी वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि क्या जो आप मेजर करना चाह रहे हैं लेट अस से मैं इंटेलिजेंस मेजर करना चाह रहा हूं तो वेदर माई क्वेश्चन वेदर माई इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग

लेट्स मूव टू द ट्वेल्थ क्वेश्चन मैं अपने दोबारा स्टूडेंट से यही कहूंगा जो हमें अभी लाइव सेशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं कि अगर आप इस मेंटी क्विज में पार्ट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ यहां चैट बॉक्स में रिप्लाई मत करिए यू वोट बी एबल टू इवेलुएट योर सेल्फ आप गूगल में मेटी डॉट कॉम पर जा सकते हैं मैं आपको दोबारा बता रहा हूं इन स्टूडेंट्स को विपुल श्रीदेवी भावना एंड अंजलि को आप गूगल सर्च में डब्ल्यू 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 डॉट मेंटी डॉट कॉम पर चले जाइए एंड वहां पर ये कोड एंटर कर दीजिए दैट इज वन वन सिक्स जीरो सिक्स फोर एट नाइन ठीक है लेट्स फोकस ऑन द ट्वेल्थ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रेविलेंस ऑफ कोरोना वायरस अमंग डिफरेंट जेंडर्स विच ऑफ द बिलो मेंशन सैंपलिंग मेथड वुड बी यूज वेरी इजी क्वेश्चन जेंडर के बेसिस पे आपको मेजर करना है कोरोना वायरस तो कौन से टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक यूज होगी कोटा सैंपलिंग स्टार्टिफाइड सैंपलिंग क्लस्टर सैंपलिंग और इज इट गोइंग टू बी अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग दीज आर द फोर ऑप्शन लेट मी सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर ओके द टाइम इज अप टाइम इज गोइंग टू एंड

कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ना क्यों जरूरी है मैं ये क्यों करा रहा हूं नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप द लेवल डिफिकल्ट ओनली बिकॉज के अंदर प्रैक्टिकल भी पूछे जा रहे हैं तो जो एक दो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो अगर आपको आते होंगे तो आपको बाद में भी पीएचडी में हेल्प मिलेगी एंड प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलेगी सो इज इट एसपीएसएस इज इट ई व्यू सॉफ्टवेयर इज इट आर स्टूडियो और इज इट लैटिक्स ये चार सॉफ्टवेयर हैं आपको बताना है इनमें से किससे आप स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट रिसर्च पेपर्स टाइप्स कर सकते हैं दैट इज द क्वेश्चन और ये हमने ऑलरेडी लाइव सेशन में पहले डिस्कस किया हुआ है मैं आपको बता दूं लेट मी सी ओके सो 20 स्टूडेंट्स आर सेइंग सेइंग एंड 19 स्टूडेंट्स आर भाई इज अ स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स रन करने के काम आता है डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाता प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली वेरी गुड गोइंग श्रीदेवी श्रीदेवी आई होप आपने मेंटी मेन्टीक्वेज भी ज्वाइन कर रखा होगा फोर्टीन क्वेश्चन नाउ मिस्टर पंकज इज प्लानिंग टू वर्क इन द रिसर्च एरिया एंड सीक्स योर एडवाइस टू इन विच ऑफ द बिलो एज अमलीट मतलब वो रिसर्च एरिया में काम करना चाहते हैं आपको बताना है कि इनमें से किस चीज का एक फॉर्मली प्रिस्क्राइब फॉर्मैट है प्रॉपर फॉर्मैट बना हुआ है प्रॉपर फॉर्मैट डिस्क्राइब किया गया है यह आपको बताना है स्नेहा यू कैन ऑलवेज सी मी

बिल्कुल सही है आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है लेट्स मूव टू क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बिलो में स्टेटमेंट अगर हमें इंटरनल वैलिडिटी को समझना है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमें इंटरनल वैलिडिटी को डिस्क्राइब करके देता है दैट इज आर क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एम जस्ट रीडिंग ऑन द ऑप्शन नाउ हाउ एक्यूरेटली द मेजरमेंट रिप्रेजेंट्स अंडर लाइन कंसेप्ट क्या आप प्रॉपरली कंसेप्ट को मेजर कर पा रहे हैं अगर आपने ठीक गैस किया है सो दिस इज योर कॉन्टेंट वैलिडिटी रिसर्चर बिलीव दैट दिस इज अ वर्दी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट उनको अच्छा लग रहा है थर्ड द फाइंडिंग इज रेलिवेंट टू रिसर्चर्स एवरी डे लाइफ वो अपनी रोज की रोजमर्रा की जिंदगी से उसे रिलेट कर सकते हैं और इज इट डी वेदर और नॉट दर इज अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएस वेरिएबल्स के बीच में कॉजल मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं डेट इज द ऑप्शन लेट मी सी कितने लोग साइन जवाब देते हैं ओके ओनली फिफ्टीन स्टूडेंट्स आई एम वेरी सरप्राइज टू सी दिस आंसर बिकॉज अंडरलाइंग कंसेप्ट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन योर कॉन्टेंट वैलिडिटी कॉन्टेंट वैलिडिटी से मेजर होता है इंटरनल वैलिडिटी से नहीं होता है और ये हम ऑलरेडी लाइव सेशन में डिस्कस कर चुके हैं इसीलिए मैं कहता हूं लाइव सेशन को नोट डाउन किया करिए रिवाइज किया करिए

मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे अगर आपको बिल्कुल अच्छे से मेरी आवाज आ रही है प्लीज एक बार चैट बॉक्स पर भी बता दीजिए मुझे जस्ट गिव मी थम्स अप इफ यू आर एबल टू hear मी सी मी क्लियरली एक बार प्लीज थम्स अप दे दीजिए सो so, the आर द फोर are just आर जस्ट वेटिंग फॉर द Let us सी प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के बॉक्स में भी बता दीजिएगा whether you are able to hear me or not। टाइम इज आप नाउ एंड ट्वेंटी करेक्ट आंसर भाई मेट्रिक डेटा के बारे में बात हो रही है मेट्रिक डेटा मतलब जहां पे आपके पास ऐसा डेटा है जिसको आप यूज करके फाइनली कैलकुलशन कर सकते हैं सिर्फ दो तरीके का ही डेटा होता है वन इज योर इंटरवल स्केल एंड वन इज योर रेशियो स्केल्स नॉमिनल एंड ऑर्डनल स्केल मेट्रिक डेटा नहीं होता इट इज अ नॉन मेट्रिक डेटा सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस थैंक यू थैंक यू सो मच श्रीदेवी अनुष्का नीलम एंड स्मरिका मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ज एवंटीन क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग वंडरफुल रिजल्ट टू डे बिकॉज बहुत डिटेल में हमने कवर किया है बारिंग आउट फाइव सेवन क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिकल ओरिएटेशन से बनाए हैं बाकी क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए जनरलाइजेशन फ्रॉम द सैंपल टू द पॉपुलेशन सैंपल के बेसिस पे जब हमको जनरलाइजेशन करनी है इज मोर अप्रोप्रिएट यूजिंग विच ऑफ द बिलो मेंशन सैंपलिंग टेक्निक इनमें से कौन सी सैंपलिंग टेक्निक सबसे ज्यादा बेस्ट सुटेबल होगी स्नोबॉल सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जजमेंट सैम्पलिंग और इज इट गोइंग टू बी कोटा सैम्पलिंग वेरी इजी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है उम्मीद करता हूं आप इसका सही जवाब देंगे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने को भी ज्वाइन कर रखा होगा यू मस्ट हैली नहीं ज्वाइन किया है तो मेन्टी डॉट कॉम पर जाके आप ये कोड एंटर कर सकते हैं वन वन सिक्स जीरो सिक्स फोर एट नाइन एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन दिस में टाइम इज आप लेटमी सी कितने लोगों ने सही जवाब दिया है

स्केल uh, यूज किया जाता है दैट इज वॉट यू हैव टू इनफॉर्म इज इट ऑर्डिनल स्केल इट नॉमिनल स्केल इट इट रेशियो स्केल स्केल और अ इंटरवल बहुत ही आसान क्वेश्चन अगर आपने स्केल वाला लाइव सेशन देखा है टाइप्स ऑफ स्केलिंग वाला तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे ओके मी सी कौन इसका सही जवाब देता है श्रीदेवी वाशी आई होप आप सबने टिक्विज भी ज्वाइन कर रखी होगी ताकि आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चल सके आपको याद नहीं रहेगा अदरवाइज की 50 क्वेश्चन के अंदर आपने कितने सही किए होंगे प्रिया लीडर बोर्ड पर पहुंचेंगे 30 क्वेश्चन के बाद थर्टी स्टूडेंट हैलत कर रहे हैं देखिए सिर्फ क्लासिफिकेशन है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दट इज द नाइनटीन क्वेश्चन क्वेश्चन नाव वेन इशूज आर टू बी एड्रेस आर पर्सनल सेंसेटिव और सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग सोशल नॉर्म्स अ क्वालिटेटिव टेक्निक जनरली रिकमेंडेड इज मतलब जब आपको किसी सेंसिटिव इशू पे बात करना है लेटर से डाउरी पे बात करना है लेटर से यू हैव टू टॉक अबाउट मैंटेशन और समथिंग रिलेटेड टू दिस विच इज वेरी टैबू इन नेचर सोशल कस्टम्स के अंदर सोसाइटी के अंदर तो कौन से टाइप का क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक आप यूज करेंगे मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ताकि अगर आपने टर्म्स नहीं सुने हो तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए इज इट गोइंग टू बी अ प्रोजेक्टिव टेक्निक इज इट गोइंग टू बी फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे आप लैडरिंग करेंगे और यू आर गोइंग टू हैव एन इंटरव्यू पर्सनल फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे इन चारों में से कौन सी टेक्निक यूज होगी ये आपको बताना है ओके लेट मी सी कितने लोग सही देते हैं आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू प्लीज ज्वाइन द मेंटी क्वेस्ट थ्रू मेंटी डॉट कॉम बाई एंटरिंग द कोड ओके काफी मिक्सड आंसर्स

उनसे दस लोगों के ग्रुप में बैठा के डिस्कशन करने को कहेंगे वो बात ही नहीं करना चाहेंगे वो अपना रियल ओपिनियन नहीं बताएंगे दैट इज द ओके प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है कि आप उनको पिक्चर्स देते हैं आप उनको चीजें देते हैं उनको टिक करने को कहते हैं उनसे बिहेवियर गॉज आउट करने की कोशिश करते हैं दैट वॉट इज देयर बिलीव वॉट इज देयर ओपिनियन हेर फॉर द आंसर इज गोइंग टू बी प्रोजेक्टिव टेक्निक आई होप इट इज क्लियर टू एवरी तो जहां क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वहां मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं साथ साथ ताकि आपको क्लैरिटी आए क्षी इज अ फैशन डिजाइनर एंड शी फाइंड फॉलिंग सेल्स इन हर आउटलेट एंड विश इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब प्रेसाइसली एंड एज स्पेसिफिकली एज पॉसिबल विच टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन शील बी यूजिंग कौन सा रिसर्च डिजाइन उनको यूज करना पड़ेगा इज शी गोइंग टू यूज मॉडलिंग इज शी गोइंग टू यूज डिस्क्रिप्टिव इज शी गोइंग टू यूज एक्सप्लोरेटरी और इज शी गोइंग टू यूज एक्सपेरिमेंटल इनमें से कौन सा यूज किया जाएगा यह आपको बताना है जल्दी से प्लीज बताइए मुझे कॉमेंट करके सॉरी क्विज में एंटर करके टू अदर्स हु आर रिप्लाइंग इन द चैट बॉक्स प्लीज आप सब मेन्टी डॉट कॉम पे जाके वन वन सिक्स जीरो सिक्स फोर एट नाइन एंटर करके क्विज को ज्वाइन कर लीजिए डैट विल हेल्प यू एनालाइज योर परफॉर्मेंस ओके काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं आई होप आप सब सही जवाब देंगे इसका ओके सो थर्टी स्टूडेंट्स आर सेंग दैट इट इज एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी इज एप्सोलूटली करेक्ट वेरी गुड गोइंग बिकॉज प्रॉब्लम क्लियरली आइडेंटिफाई करनी है उन्हें

मेंटी पे आप मुझे नहीं देख पा रहे होंगे बट आप अपनी स्क्रीन पे मुझे देख पा रहे होंगे अगर आप में तो आप, आप यूट्यूब्यूब की स्क्रीन खुली हुई है तो वहां पर स्टेट ऑफ इकोमिक स्लोड पहला स्टेटमेंट थर्टी परसेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट लैक टीचिंग स्टाफ उनके बाद टीचिंग स्टाफ नहीं है विद ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन ई कॉमर्स हैूमड इंडिया माइट ओवर टेक चाइना इन टर्म पॉपुलेशन वेरी इजी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेट मी सी कितने लोग सही जवाब देते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन इलेवेंथ पीपल स्टूडेंट्स स्टूडेंट करेक्ट आंसर रीजन समझ लीजिए द ग्रोथ इन डिजिटलाइजेशन पहला एस्पेक्ट द ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज हैजूम्ड मतलब एक चीज का इंपैक्ट दूसरे चीज पे देख रहे हैं दिस इज अ काइंड ऑफ एन कॉज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस स्टेटमेंट के अंदर एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वेयर एज बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं दैट इज अ फैक्चुअल एलिमेंट ओके ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ क्वेश्चन पे चलते हैं सॉरी ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं लेट्स हैव अ लुक एट ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन देर फॉर आई एम रिपीटिंग ऑल्सो मैं रिपीट भी कर रहा हूं अ सैंपल ट्वेंटी नाइन आइटम इज अवेलेबल फॉर एन ऑटोमोबाइल विच रिक्वयर टेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अनोन एस डी यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन है प्लीज ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है और सैंपल ट्वेंटी नाइन आइटम्स का है which of type of test would be most suitable? sub konsa test? suitable hoga? that is what we have to answer here. is it going to be z-test? is it going to be t-test? is it going to be range? or is it going to be both a and b? a topic that has an indirect relationship with research, that is statistics. so kuch basic questions up. statistics, ke bhi expect kar sakte hain. so let me see who gives the correct answer. is it z-test, t-test, range, both a and b? we just have six seconds left.

क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम इन रिसर्च रिलायबिलिटी इज दैट क्वालिटी ऑफ अ मेजरमेंट प्रोसीजर विच रिलायबिलिटी अगर आपको मेजर करनी है या रिलायबिलिटी को एसर्टेन uh, करना है सो इज इज द कैरेक्टरिस्टिक इन द ऑप्शन दैट इज बीन प्रेजेंट रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी वो बार बार रिपीट करने पे सेम आंसर देगा इज इट स्पीड एंड एक्यूरेसी जल्दी कैलकुलेशन होगी एंड एक्यूरेसी भी होगी वेरी गुड गोइंग रामाकृष्णन स्पीड एंड रिलायबिलिटी एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी तो ये चार ऑप्शन हैं। लेट मी सी हू गिव्स द करेक्ट आंसर सो और कोशिश करिए कि अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप जल्दी जल्दी भी आंसर करें ये रामाकृष्णन यूर एप्सोलूटली करेक्ट साथ में दूसरा रीजन भी इंपॉर्टेंट है दैट वेदर पॉपुलेशन सैन डिवेशन इज नोन और नॉट नहीं नोन है तो टी टेस्ट नोन है तो जेट टेस्ट ओके ट्वेंटी फोर स्टूडेंट है करेक्ट आंसर दैट इज देखिए रिपीटबिलिटी का एलिमेंट तो बिल्कुल होना ही चाहिए ना रिपीटिलिटी का क्या मतलब है कि बार बार अगर वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे पहुंच चुके हैं द फिश बाउल ड्रॉ इज अ मेथड ऑफ ड्रॉइंग अ डैश फिश बाउल टेक्निक आपको याद होगी ये एक सैंपलिंग टेक्निक है मैं आपको बता दूं अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अगर आप फिश बाउल टेक्निक यूज कर रहे हैं फिश बाउल ड्रॉ यूज कर रहे हैं तो यह मेथड कौन से पैरामीटर पर बेस्ड है इज इट अ रैंडम काइंड ऑफ अ सैंपलिंग इज इट अन रैंडम सैंपलिंग इज इट अस्ट्रक्चर सैंपलिंग और इज इट एन

इट अ फंडामेंटल रिसर्च इज इट एन इन बेस्ड रिसर्च इज इट एन एक्शन बेस्ड रिसर्च और इज इट एन एप्लीकेशन रिसर्च इन चारों में से कौन से टाइप का रिसर्च है जो यहां पर यूज होगा अगर आपको टीचिंग कॉम्पिटेंसी बढ़ानी है मैं अपने सारे स्टूडेंट से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इनमें से कोई भी टर्म नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज जल्दी से एक पेपर पर पे नोट डाउन कर लीजिए वेन वी आर डन विदेस्ट तो आप लास्ट में मुझसे कॉमेंट करके वो चीजें पूछ सकते हैं ओके okay? सो नोट डाउन करते रहिए 50 क्वेश्चन कर रहे हैं चार चार्स कर रहे हैं मतलब दो सौ हमें हंड्रेड परसेंट आने चाहिए ओके लेट मी सी कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं वी आर जस्ट अबाउट टू गेट ओवर विद टाइम ओके विदी एट स्टूडेंट अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गलती कर रहे हैं जब भी टीचिंग कॉम्पिटेंसीज की बात होती है तो आंसर वुड बी एक्शन रिसर्च प्लीज रिमेंबर डैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन वी आर फोर क्वेश्चन अवे उसके बाद हमारे पास

इज इट अंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इट अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज इट अंट्रोल वेरिएबल सॉरी और इज इट अ डाइक ऑटोमस वेरिएबल डाइक ऑटोमस मतलब जो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है जीरो एंड वन डेट इज वॉट डाइक ऑटोमस वेरियबल इज ऑल अबाउट कंट्रोल वेरियबल आपको पता है वो जो इंपैक्ट करता है आपकी स्टडी को बट यू वॉन्ट टू रिलेटिवली कीप इट कॉन्स्टेंट फॉर फॉर द टाइम बींग ठीक है दैट मीन सी सो थर्टी स्टूडेंट है करेक्ट आंसर वेरी गुड गोइंग लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन मैं अपने सारे नए ज्वाइनी से जिन्होंने अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डब्ल्यू पे चले जाए ये कोड एंटर कर दें दैट इज वन ताकि आप अपनी रैंक भी देख सकें अपनी परफॉर्मेंस देख सकें स्मरिका तीस क्वेश्चन के बाद एंड फिर पचास क्वेश्चन के बाद अ वर्कशॉप इज मेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कशॉप का यूज कहां किया जाता है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लर्निंग विद इंटरैक्शन और इज इट डिस्कशन ऑन वर्क इन चारों में से कौन सा सबसे अच्छे तरीके से वर्कशॉप को डिस्क्राइब करता है जितने भी लोग हमें नई ज्वाइन कर रहे हैं आप अपनी अगर परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं आप इस क्विज में पार्ट लेना चाहते हैं डायरेक्टली तो मैंटी डॉट कॉम पर चले जाइए डब्ल्यू 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 डॉट में डॉट कॉम और वन वन सिक्स जीरो सिक्स फोर एट नाइन जो कोड स्लाइड के टॉप पे लिखा हुआ है उसको यूज कर सकते हैं ओके लेटमी सी कितने लोगों ने सही जवाब दिया है

कुछ मैटर नहीं करते जो ऑप्शन में अवेलेबल है वही आपको चुनना पड़ता है सो वॉट इज दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन आर इज नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चन एयर क्लोज एंडेड क्वेश्चन आर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आय और अनस्ट्रक्चर्ड वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपने कभी भी थोड़ा सा भी काम किया है क्वेश्चन आयर पर क्वेश्चन आर के बारे में पढ़ा है तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा ये जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और हमारे पास यहां पे कॉमेंट कर रहे हैं वेरी गुड इवनिंग कुशल मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज करिए पे आप अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर पाएंगे थर्टी गिवन द करेक्ट आंसर अमेजिंग मतलब बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी रिसर्च की मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इतने अच्छे लाइव सेशन किए हैं कि आपको चीजों की इतनी अच्छी क्लैरिटी है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पायलट स्टडीज ऑल्सो कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग अगर पायलट स्टडी करी जा रही है तो उसको और भी क्या नाम दिया जा सकता है इज इट अ काइंड ऑफ अ कोरिलेशनल स्टडी इज इट अ टेक्निकल स्टडी कहीं पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं इज इट अ फीजिबिलिटी स्टडी आप फिजिबिलिटी मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं और इज इट एक्सपेरिमेंटल स्टडी या फिर आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं नो no प्रॉब्लम दीपा आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं एटलीस्ट आप एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्चुअल स्कोर मेजर कर पाएंगे सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज मेन्टी डॉट कॉम पर जाके कोड एंटर करिए एंड मेंटी पे ज्वाइन करिए ठीक है सो लेट मी सी काफी सारे आंसर हमारे पास आ रहे हैं ओके सो वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट ओके अनंत इज सेइंग के स्टडी ओके सो लेट मी सी कितने लोगों ने सही जवाब दिया थर्टी सिक्स स्टूडेंट आर सेइंग फिजिबिलिटी एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट सो नाउ वी आर ऑन द थर्टी क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन के बाद हमारे सामने लीडर बोर्ड आ जाएगा बट उसके बाद बीस क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं हाइपोथिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली कंपराइजिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सी चीज कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए हाइपोथेसिस के अंदर सिंपल क्लियर एंड एम्बिगुअस डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स एंड एनालिटिकल ईजी टू वेरीफाई बेस्ड ऑन लिटरेचर रिव्यू इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक अच्छी हाइपोथिस का के कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है या फिर दिखाता है रामकृष्णन में दोबारा बता रहा हूं गूगल करिए www.menti.com इस स्लाइड के टॉप पे कोड आ रहा है 11606489 ये कोड एंटर करते ही आप डायरेक्ट इस में ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है मैं बहुत बार बता चुका हूं आई एम टेलिंग कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं ओके okay, सो so, सिर्फ और सिर्फ नौ लोगों ने इसका सही जवाब दिया देखिए आपने क्या गलती करी आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं है

ओके सो वी कुड सी अनुष्का देन वी हैव सुमन देन वी हैव वैशाली देन वी हैव श्रीजा देन वी हैव संगमित्रा शांति मौसमी रवि एस एंड अंजुम तो ये स्कोर्स चल रहे हैं विल जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू पे कुछ सेकंड का ब्रेक लेते हैं यहां तक 30 क्वेश्चन तक अगर आपको कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से मुझसे चैट बॉक्स में पूछ लीजिए देन वील क्विकली प्रोसीड सो दिस इज द करेंट स्टेटस अनुष्का इज ऑन टॉप देन वी हैव सुमन वैशाली श्रीजा संगमित्रा शांति वेरी गुड गोइंग ऑल ऑफ यू दीज आर द वेरी रेगुलर स्टूडेंट्स जो बिल्कुल रेगुलर रहते हैं सेशंस के अंदर सो आई एम वेरी एंड अदर्स आर आल्सो परफॉर्मिंग फंटास्टिकली वेरी गुड गोइंग वी हैव ट्वेंटी मोर क्वेश्चन टू गो सो लेट्स प्रोसीड नाउ आगे चलते हैं लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नाउ टाइम को भी एथर करने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल मेल क्वेश्चन आर ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू एंड कलेक्टिव क्वेश्चन आयर आर इंस्टेंसिस ऑफ डैश ये अगर एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाएं तो इसको क्या कहेंगे इज इट अ प्राइमरी डेटा सोर्स इज इट अ सेकेंडरी डेटा सोर्स ज इट अ टर्शनी डेटा सोर्स और इज इट एथिकल सोर्सेस इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है इन एलिमेंट्स को दैट इज वॉट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कोशिश करी गई है कि हर रिसर्च टॉपिक को चाहे कितना भी डिटेल्ड हो उसको कवर किया जाए ताकि मेजॉरिटी आपके टॉपिक्स रिवाइज हो सके एंड आपको पता भी चल सके वर्ने का मेट्रिक स्टडी होती है जहां पे डेटा मेजरेबल होता है डेटा मेजरेबल होता है एंड आप उसको यूज कर सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए प्रिया जो भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आई आई एम टू द क्वेरीज एज वेल होप वर्ने का इट्स क्लियर मेट्रिक डेटा लाइव सेशन में हमने कवर किया हुआ है ओके सो फोर्टी थ्री स्टूडेंट आप गिवेन द करेक्ट आंसर प्रिया प्लीज कॉमेंट कर दीजिए आई एम टेलिंग यू आप यहां पर कॉमेंट कर दीजिए आई एल रिप्लाई टू योर क्वेरी लेट्स मूव टू दर्टी सेकंड क्वेश्चन आई थिंक प्रिया इज नॉट एबल टू हेर मी प्रिया आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं डाउन डोंट वरी ड्यूरिंग रिसर्च वाइल रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन इफ एन ऑब्जर्वर रेट्स एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑनटिंग गिवेन इन अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंटरेक्शन अगर किसी और इंटरेक्शन के एस्पेक्ट की वजह से आप रेटिंग करते हैं तो यहां पर कौन से टाइप का एरर या बायस हो रहा है यह आपको बताना है विच ऑफ द टाइप्स ऑफ बायसेज आर बींग कंडक्टेड हेयर इज इट ए हेलो इफेक्ट इज इट स्टीरियो टाइपिंग ज इट स्ट्रिक्ट इज इट एर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो इनमें से कौन सा टाइप का यहां पर एरर कंडक्ट हो रहा है आपको बताना है ओके गुड गोइंग वर्णिका प्रिया अगर आपको कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए किसी को भी कोई भी डाउट है द चैट इज ओपन फॉर यू ऑल चैट में कॉमेंट कर दीजिए एंड आई एल क्विकली रिप्लाई टू योर क्वेरी ओके लेटमी सी कितने लोग सही जवाब देते हैं वे गोइंग वेरी गुड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है स्टूडेंट्स की एंड द टाइम इज आप र्टी फाइव स्टूडेंट हेलो इफेक्ट एज द करेक्ट आंसर देखिए स्टीरो नहीं हो सकता बिकॉज टाइपिंग में पटल कम्युनिटी या फिर रिलीजन के बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं ठीक है सो दैट इज नॉट हैपनिंग सो द आंसर वुड बी हेलो इफेक्ट मूविंग टू दर्टी थर्ड क्वेश्चन नाउ हाय रेहाना हेलो यू कैन ज्वाइन द मेंटी क्विज द फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर टू अगर आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन उसको बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग क्या आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ थिंग गिविंग फिनिशिंग टच फिनिशिंग टच दे रहे हैं कंस्ट्रक्टिंग द सीलिंग ऑफ द हाउस मतलब अपर लेयर स्टैब्लिश कर रहे हैं सो दीज आर द दस आई होप आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे वेरी इजी क्वेश्चन वी आर ऑन दर्टी थर्ड क्वेश्चन नाउ एंड आज काफी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है आई थिंक क्वेश्चन भी हर एरिया से हैं एंड टाइमिंग भी आपको एडिक्वेट मिल रहा है Uh, चिन्ना में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेंटी क्विज को ज्वाइन कर लीजिए मेटी डॉट कॉम पर जाके कोड एंटर करके लेट मी सी वॉट आर द हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर फोर्टी वन स्टूडेंट दैट्स एब्सोलूटली अमेजिंग फोर्टी वन गिवन द करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फोर्थ क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं द स्टडी ऑफ वाई ड स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक हार्ट अटैक सॉरी Why पूछा गया आपसे कि स्ट्रेसफुल लिविंग की वजह से अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं तो कौन से टाइप की रिसर्च यहां पर यूज की जाएगी इज इट गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज इट गोइंग टू बी कॉजल रिसर्च इज इट गोइंग टू बी को रिलेशनल रिसर्च और इज इट गोइंग टू बी एक्शन रिसर्च तो अगर आज आपका स्कोर 45 फाइव एन प्लस है 50 क्वेश्चन हैं हमारे पास अगर आपका स्कोर 45 फाइव एन प्लस बनता है तो उसका मतलब नाउ यू कैन रिलैक्स अ बिट इन टर्म्स ऑफ़ रिसर्च एंड बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करना शुरू कर दीजिए हम रेगुलरली इसी तरीके से मेंटी मेटिक्वेस पे हर टॉपिक करने की कोशिश करेंगे दैट इज गोइंग टू बी आर ऑप्शन हेयर डिस्क्रिप्टिव कॉजल रिसर्च कोरिनेशनल रिसर्च और एक्शन रिसर्च दीज आर दी सी कौन इसका साइन जवाब देता है

मेडिकल एंड जेनेटिक केसेस मेडिकल एंड जेनेटिक केसेस को अगर आप इवेलुएट करते हैं तो उसको कहते हैं आपकी वो केस स्टडीज हैं। इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन और इज इट फोर्थ ट्रीटेड एज सब्जेक्ट और रिस्पॉन्डेंट्स। ये आपके ऑप्शन है लेटमी सी कौन इसका सही जवाब देता है जस्ट वेटिंग फोर द आंसर है ओके काफी सारे आंसर आ रहे हैं हमारे पास कुछ लोग सी कह रहे कुछ लोग डी कह रहे हैं आई होप योर रीडिंग द क्वेश्चन थॉरली रीड करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को थॉरलीके अलॉट ऑफ आंसर कमिंग एन लटमी सी कितने लोग सही देते हैं नीलम इज वेरी कॉन्फिडेंट सो थर्टी स्टूडेंट आर से करेक्ट आंसर एंड फिफ्टीन स्टूडेंट आर से इज द करेक्ट आंसर देखिए इनडेप्थ एग्जामिनेशन तो है लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन की होती है जैसे आप

ओके द टाइम इज अप लेट मी सी कितने लोग सही जवाब देते हैं ट्वेंटी नाइन स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर वंडरफुल वंडरफुल कंफ्यूज बिटवीन कंटेंट एंड इंटरव्यू नीलम देखिए इंटरव्यू में आप रियलिटी नहीं जान पाते हैं उसका रीजन क्या रहता है कि जब आपको पता होता है कि सामने वाला आपको इंटरव्यू कर रहा है यू आर बींग ऑब्जर्व यू आर बींग नोटेड डाउन तो आप अपने ओपिनियन को नहीं बता पाते हैं कॉन्टेंट एनालिसिस के अंदर आप किसी इंटरव्यू का आप किसी रिपोर्ट uh, को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इसलिए उसको कॉन्टेंट एनालिसिस कहते हैं आई होप दिस इज क्लियर एथनोग्राफिक में आप कल्चर के बारे में जानते हैं उस पर्टुलर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़े से आप बनारस के किसी स्टेट में चले गए एंड वहां पर आपने पूछा कि आज से पचास साल पहले कैसा कल्चर यहां पर होता था तो दिस इज वॉट पार्टिसिपेंट पर अपने हिसाब से बता देगा जो भी उसको सही लगेगा एंड दया फोर द आंसर इज एथनोग्राफिक रिसर्च आई होप दिस इज क्लियर मूविंग टू दर्टी सेवन क्वेश्चन नाउ हम थर्टी सेवन क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं ओके आई होप दैट इज क्लियर टू नीलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रिफरेंसिंग स्टाइल अब मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आपके रिसर्च के अंदर जो आप इग्नोर करके चले जाते हैं बिकॉज ये लास्ट के टॉपिक्स हैं आपको लगता है इससे कहां क्वेश्चन आएगा बट रिसेंट ईयर्स में इन टॉपिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन टी एज नॉन अ प्रैक्टिकल ब्लेंड कि क्या आप प्रैक्टिकली चीजों को समझते हैं तो एपीए स्टाइल है वैनकूवर स्टाइल है हॉवर्ड स्टाइल है शिकागो स्टाइल है आपको बताना है इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रेफरेंसिंग स्टाइल इनमें से कौन सी एक रेफरेंसिंग स्टाइल नहीं यूज होती है अब देखिए इस सवाल का जवाब वो दे सकता है या तो जिसने बहुत अच्छे से रेफरेंसिंग स्टाइल को पढ़ा हो या तो वो इंसान जवाब दे सकता है जिसने एक्चुअली रिसर्च पेपर लिखा हो ठीक है किसी थर्ड इंसान की पॉसिबिलिटी कम है वो सिर्फ गेस वर्क ही करेगा ठीक है सो लेट मी सी ओके वंडरफुल नीलम देखिए थर्टी थ्री स्टूडेंट्स ने कहा वैनकूवर जो कि गलत है बिकॉज द आंसर इज नन ऑफ द अवर वैनकूवर इज अ काइंड ऑफ अ रेफरेंसिंग स्टाइल वैनकूवर एक रेफरेंसिंग स्टाइल होती है दो कॉमनली यूज नहीं है सबसे कॉमनली एपी और हावर्ड यूज होती है बट वैनकुअर इज डेफिनेटलीसिंग स्टाइल एंड आंसर नन ऑफ द अब हो जाएगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नो प्रॉब्लम नीलम बट यह टॉपिक प्लीज पढ़िएगा जरूर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा रहा है रिफरेंसिंग स्टाइल पर भी सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू एड रिफरेंसिंग टू योर रिसर्च आर्टिकल इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं रिसर्च आर्टिकल में रेफरेंसिंग एड करने के लिए प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुल एंड मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन जो लास्ट के आप देख रहे हैं दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिकल ये मैंने खुद बनाए हैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है तो अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप इनका जवाब नहीं दे पाएंगे बट ये सवाल इसी टाइप के सवाल एनटीए पूछ रहा है तो ये आपकी नॉलेज भी बढ़ाते हैं आप अगर रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं प्रपोजल बना रहे हैं तो उसमें भी हेल्प मिलती है तो मैं बस अपनी नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं एंड आपको एक होलिस्टिक व्यू दे रहा हूं रिसर्च का ठीक है सो इज इट एसपीएसएस इज इट ई व्यूज ज इट आर स्टूडियो इज इट मेटलैब और इज इट मिडले इनमें से कौन सा टूल या सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा रिसर्च आर्टिकल की डिफरेंसिंग करने के लिए ओके सो ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट आप गिवे करेक्ट आंसर अमेजिंग जॉब वुलट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज द थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन फॉर द डे ओके, ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। is it is it Bloomberg? Is it से कौन सा सेकेंडरी फॉर्म ऑफ डेटा सेकेंडरी डेटा सोर्स ऑफ डेटा नहीं है दैट इज वॉट यू हैव टू आंसर प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट डेटा बेसिस तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं तो इनको आप बेसिस बना सकते हैं अपने डेटा सोर्सेस मैंशन करने के लिए कि कहाँ से आपने डेटा कलेक्शन किया है कहाँ से आपने डेटा सोर्स किया है दैट इज वॉट कैन बी आंसर्ड एयर प्रैक्टिकल ब्लेंड ऑफ क्वेश्चन है यहां पे फिर से तो आपको नॉलेज भी मिलेगी आपको अवेयरनेस भी बढ़ेगी आपकी इस क्वेश्चन के थ्रू लेट मी सी सो ओके सो थर्टी वन स्टूडेंट द करेक्ट आंसर देखिए अगर आप आरबीआई और सेबी को यूज कर रहे हैं तो उनके पास जो भी वेबसाइट पर उनके डेटा होता है वो सब ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है यू आर ऑल यूजिंग अ पब्लिश डेटा तो आरबीआई और सेबी भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हो जाएगा थॉमसन ड्यूटर हैज अ डेटा फॉर फाइनेंशियल डेटा ब्लूमबर्ग ऑल्सो हैज अ डेटा फॉर फाइनेंशियल डेटा एंड प्रोवेस ऑल्सो हैज अ फाइनेंशियल डेटा तो ये तीन कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर हैं जो फाइनेंशियल डेटा या फिर फाइनेंस रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने में काम आते हैं तो आपको तो कुछ डेटा सोर्सेज के नाम भी पता चल गए हो सकता है इंटरव्यू में कोई पूछ ले अच्छी जगहों पर विज ऑफ द बिलो आर नॉट द कॉमनली यूज लिस्टिंग फॉर पब्लिकेशन ऑफ द जर्नल सिंस जर्नल पे लास्ट टाइम पे, पे एक क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट ईयर पे तो मैंने जर्नल से भी कुछ क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है ताकि आपकी आपकी थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ा दूं एंड क्योंकि आप सब ने ऑलरेडी मुझे रिसर्च पेपर और रिसर्च प्रपोजल के लिए रिक्वेस्ट कर दी है तो अगेन इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी आपकी अवेयरनेस जर्नल से रिलेटेड और रिसर्च पेपर से रिलेटेड भी बढ़नी चाहिए सो दीज आर द ऑप्शन इज एट अयर जर्नल स्कोपस लिस्टेड एबीडीसी लिस्टेड शिमागो और एस सी आई और एस एस सी आई इंडेक्स आपको बताना इनमें से कौन सा एक लिस्टिंग नहीं है प्लीज रिमेंबर नॉट इज द वर्ड बींग यूज विच इज नॉट अ कॉमनली यूज लिस्टिंग आई एम श्योर कि ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आपको लगेगा बट कुछ नया जरूर पता चलेगा इस क्वेश्चन के थ्रू भी आपको लेटमी सी कितने लोग सही जवाब देते हैं ओके सो काफ़ी मिक्सड आंसर जैसे कि मुझे उम्मीद थी बट सिर्फ पंद्रह लोगों ने सही जवाब दिया है ओनली फिफ्टीन पीपल यूजीसी केयर इंडिया का है स्कोपस एंड एबीडीसी वेरी कॉमन एस सी आई दैट इज साइंस साइटेशन इंडेक्स एंड सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स ये सारी लिस्टिंग है शिमागो लिस्टिंग नहीं है वो एक डेटा बेस है जो जर्नल्स की रैंकिंग करता है दैट इज द बेसिक डिफरेंस यू जी सी केयर स्कोपस एबीडीसी एंड एस सी आई एंड एस एस सी आई आर लिस्टिंग्स जहाँ पे जर्नल्स लिस्ट होते हैं शिवागो एक ऐसा डेटा बेस है जो जर्नल्स की रैंकिंग करता है दैट इज द डिफरेंस ओके यस यस नीलम यूर एप्सोलूटली करेक्ट यूजीसी केयर को छोड़ के बाकी तीनों ही इंटरनेशनल बॉडीज हैं ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फोर्टी वन क्वेश्चन वॉट इज द नेम ऑफ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच रिसर्च इज बींग कैरीड आउट वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को हम क्या कर, कहते हैं जिसके अंदर रिसर्च कैरी आउट होता है इट अ रिसर्च प्रपोजल इज इट अ रिसर्च आर्टिकल इज इट अ रिसर्च एजेंडा इज इट अग डिज इट नफ बुक आई एम श्योर आपको कुछ नया पता चला क्वेश्चन के थ्रू जो भी लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था लेटमी सी कितने लोग सही जवाब देते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है वी आर मूविंग फ्रॉम लिस्ट फ्रॉम मीडियम टू डिफिकल्ट टूजी हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश करी है आज आई एम श्योर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा लास्ट में प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफी टाइम बाद हमने मेंटी क्विज करी है एंड मेंटी क्विज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन डिवाइजिंग द फिफ्टी क्वेश्चन मी सी कितने लोग सही जवाब देते हैं एंड 18 स्टूडेंट आर सींग रिसर्च प्रपोजल बट द आंसर इज none of the above बिकॉज जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो आप बनाते हैं और कैरी आउट करते हैं उसको रिसर्च प्रपोजल नहीं कहते उसको रिसर्च डिजाइन कहते हैं ट इज द डिफरेंस रिसर्च प्रपोजल वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप स्पेल आउट करते हैं दैट वॉट यू आर गोइंग टू डू ठीक है बट जो फ्रेमवर्क बनता है जो ब्लू प्रिंट बनता है दैट इज नोन एज रिसर्च डिजाइन जेस मर यू आर एपसोलूटली करेक्ट तो मैं कितना भी क्वेश्चन घुमा दूं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स समझ पाते हैं दैट व्हाट इज द कंसेप्ट बीइंग टॉक्ट अबाउट वंडरफुल वर्न लेट्स मूव टू द दीवन सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कंसीडर्ड एज क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव रिसर्च अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वालिटेटिव रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाएगा या कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है क्वालिटेटिव रिसर्च को टेस्टिंग ऑफ डेटा एंड डिराइविंग एम्पेरिकल रिजल्ट डेटा के बेसिस पे टॉप डाउन अप्रोच जिसको हम डिडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं बॉटम अप अप्रोच दैट मीन यू मूव फ्रॉम अ पर्टिकुलर टू अ जनरल लेवल जिसे हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं और इज इट लास्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वेरी टेक्निकल क्वेश्चन दिस इज अगेन अ टेक्निकल क्वेश्चन एंड आप तभी आंसर कर पाएंगे अगर आपने क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा

क्वालिटेटिव कब होता है कि आपके पास पहले कुछ कॉन्क्लूजन है आपके दिमाग में कुछ है उसके बेसिस पे यू गो बैक एंड यू स्टार्ट इंक्वायरी ठीक है एंड देर फॉर इट इज गोइंग टू बी बॉटम अप अपनालिस प्रजीत रिसर्च मेथोडोलॉजी वो सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर आप रिसर्च टेक्निक के बारे में बात करते हैं डेटा सोर्सेज के बारे में बात करते हैं एंड व्हाट इज गोइंग टू बी योर सैंपल सैंपल क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं द कंप्लीट ब्रॉड एलिमेंट इज नोन एज रिसर्च मेथोलॉजी वी आर ऑन द फोर्टी थर्ड क्वेश्चन नाउ विच आर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ डॉक्टरल वुड कंपराइज डिटेल अबाउट डेटा सोर्सेज बींग यूज डेटा सोर्सेस कौन से एलिमेंट के अंदर शो किया जाएगा विनीता अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है यू कैन कॉल एस ऑन द नंबर नाइन 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 फोर डबल सिक्स टू टू फाइव या फिर आप हमारी वेबसाइट अनु जिंदल पर भी जा सकते हैं सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मैंशन है यू कैन इंक्वायर ओवर डैट ओकेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन कॉन्क्लूजन एन फ्यूचर स्कोप इनमें से कौन से section के अंदर अगर आप doctoral thesis लिख रहे हैं, तो डॉक्टर किया जाएगा ठीक है दैट इज वॉट यू हैव टू आंसर हेयर आई होप आपको यह पता होगा बिकॉज डॉक्टरल थीसेस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का लेटमी सी कितने लोग सही जवाब देते हैं ट्वेंटी स्टूडेंट द करेक्ट आंसर अगर आपको हिंट बताऊं तो अभी जस्ट मुझसे प्रजीत ने यही डाउट पूछा था एंड आई है राम अर है डिटेलिस ऑफर्च लिटरेचर रिव्यू ऑफ इस एरिया जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लोग जब प्रपोजल बनाते हैं तो प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू नहीं करते हैं च ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर तो अगेन ये मैंने जान मुझ के सवाल पूछा है ताकि आपको मैं बता सकूं कि अगर आप प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू नहीं करके जा रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको यहां से प्रैक्टिकल ओरिएटेशन भी मिल जाएगी इज इट गोइंग टू बी अ रॉन्ग रिसर्च टेक्निक आप गलत रिसर्च टेक्निक यूज करेंगे इज इट गोइंग टू बी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट आप मिस इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट को जो भी आउटकम आएंगे इज इट गोइंग टू बीक कंसेप्टअल फ्रेम वर्क जो आप कंसेप्ट बना रहे हैं जो एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं आप वहां गलती करेंगे लैक ऑफ वेल डिफाइंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव या फिर आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव में ही प्रॉब्लम आ जाएगी ये चार चीजें हैं सो दिस इज अगेन अ प्रैक्टिकल ब्लेंड ऑफ क्वेश्चन लेट मी सी कितने लोगों ने इसको बिल्कुल सही से परखा है बिल्कुल सही से आइडेंटिफाई किया है ट्वेंटी वन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली देखिए अगर आपका लिटरेचर रिव्यू सही नहीं है तो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ठीक से डिफाइन नहीं हो सकते ठीक है दैट इज द बेसिक एलिमेंट बिकॉज रिसर्च गैप्स नहीं आइडेंटिफाई होंगे रिसर्च गैप्स नहीं आइडेंटिफाई होंगे तो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव सही नहीं बनेगा ठीक है दैट इज द बेसिक आइडिया ओके आई होप क्लियर मूविंग रजित्लियर फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन टू गो टू द फर्स्ट लीडर बोर्ड टूडे ओके सो रितेश रिसर्च मेथोडोलॉजी जब आप कहते हैं तो आप एक टाइटल बता रहे हैं जो आपके थीसेस में डलता है दैट इज इट इज अ हेडिंग उसको हम हेडिंग कहते हैं जब आप रिसर्च मेथड कह रहे हैं स्पेसिफिकली तो आप कह रहे हैं कि आपने क्या यूज किया है वेदर यू आर यूजिंग का स्क्वायर वेदर यू आर यूजिंग दिस कौन सी टेक्निक कौन सा मेथड आपने यूज किया है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए तो दो कॉमनली यूज कर दिए जाते हैं बट रिसर्च मेथोलॉजी जनरली एक वाइडर एस्पेक्ट है आपका टाइटल का थीसिस का या फिर रिसर्च आर्टिकल का जिसके अंदर और भी चीजें आती हैं वहां पे आप डेटा सोर्सेज भी मेंशन करते हैं सैंपलिंग टेक्निक भी बताते हैं विनीता आई डोंट नो इट शुड बी विजिबल बिकॉज मुझे तो बिल्कुल ठीक से नजर आ रहे हैं इज इट रिग्रेशन एनालिसिस इज इट कोरिलेशन इज इट कंटेंट एनालिसिस इज इज फिजिबिलिटी और इज इट बोथ सी एनबी विनीता थोड़ा सा अपना सेटिंग्स में जाके चेंज कर लीजिएगा वहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा क्वालिटी कम कर देंगे ओके सो बोथ सी एनबी हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज योर कंटेंट एनालिसिस एंड फिजिबिलिटी ये दोनों ही क्वान्टिटेटिव नहीं है कंटेंट एनालिसिस जो है वो आपका क्वालिटेटिव है

इज इट एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इनमें से कौन से टाइप का रिसर्च डिजाइन यहां पे यूज हो रहा है दैट इज वॉट यू हैव टू आंसर हेयर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन रिसर्च डिजाइन के ऊपर ध्यान रखिएगा कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे डेटा कलेक्शन किया जा रहा है मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं यहां पर साथ साथ दीज आर दी हैव सम सेवन एट सेकेंड टू गो लेटमी सी कितने लोग इसका साइन जवाब देते हैं

ओके okay, काफ़ी सारे आंसर्स आ रहे हैं प्लीज़ मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मेंटी क्विज होती है तो प्लीज आप मेंटी क्विज पे ही ज्वाइन करें ओके सो दैट इज एप्सल्यूटली वंडरफुल आई थिंक इतना आसान क्वेश्चन था देर फोर फोर्टी टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर अमेजिंग ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता तो मुझे डाउट हो जाता कि आप रिसर्च पढ़ कैसे रहें ठीक है सो लेट्स मूव टू द फोर्टी एथ क्वेश्चन नाउ स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैम्पल यूजिंग डैश थोड़े से लास्ट में मैंने इजी क्वेश्चन रखें वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा मोटिवेशन हाई रखना चाहिए इज इट गोइंग टू बी बेस्ड ऑन रेफरेंसेज क्या आप रेफरेंस यूज करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए रैंडमली सिलेक्ट करते हैं एजेंसी हायर करते हैं या फिर एक सिस्टमैटिक बेसिस या फिर सिस्टमैटिक मेथड यूज करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए तो आपको ये बताना है यहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द टेक्निक बींग यूज हेयर वेरी इजी क्वेश्चन वंस अगेन स्नोबॉल सैंपलिंग लेटमी सी कितने लोग सही जवाब देते हैं वेरी इजी क्वेश्चन आई होप आज आपको टाइम नहीं कम पड़ा होगा एंड हमने अप्रोसीमेटली एक घंटे के अंदर सेशन कंप्लीट भी कर लेंगे हम सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है स्कोर अच्छा है इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ओके लेटम सी कितने लोग सही जवाब देते हैं थर्टी सिक्स स्टूडेंट्स आपके अंदर करेक्ट आंसर बिकॉज एक पर्सन से आप दूसरे पर्सन के पास जाते हैं, so references. आप references का कर रहे हैं. ठीक है लेट्स मूव टू द्वेश्चन दट इज द फोर्टी नाइन क्वेश्चन

इट गोइंग टू बी एक्शन रिसर्च और इज इट गोइंग टू बी क्वान्टिटेटिव रिसर्च इन चारों में से कौन से टाइप का रिसर्च होगा जहां पर आप प्रोफेशनल एक्सपर्टीज डेवलप करेंगे डेवलपमेंट इज यो हिंट भी दे रहा हूं साथ साथ ओके लेटमी सी हुक्ट आंसर इज इट गोइंग टू बी प्योर रिसर्च डिस्क्रिप्टिव एक्शन और क्वांटिटेटिव लेटमी सी वॉट आर द आंसर कामेंगे आप अलॉट ऑफ आंसर लॉट ऑफ मिक्स आंसर इन फैक्ट बट ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं दीज ट्वेंटी आपके अंदर करेक्ट आंसर रिसर्च बिकॉज डेवलपमेंट के बारे में एक्सपर्टीज की डेवलपमेंट in होती है 288, अंदर आप सिर्फ थ्योरी डेवलप करते हैं थ्योरी डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं हो रही थी यहां पे ओके देर फॉर प्योर रिसर्च विल नॉट बी आंसर लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे द लास्ट क्वेश्चन फॉर आर टू मेंटी क्विज़ इट्स अप्रोक्सिमेटली एट टेन एंड हमने अप्रोक्सीमेटली एक घंटे के अंदर खत्म कर ली है अपनी मैंटी क्वेस्ट लास्ट क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथिस सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस क्या है जिसके बेसिस पे आप रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथिस को डेवलप करते हैं रीडिंग अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं तो यूजिंग एडवांस लेवल टेक्निक मतलब बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पढ़ रहे हैं यूजिंग अ वेरी लार्ज सैंपल ताकि जनरलाइजेशन हो सके ये है बेसिस और इज इट नन ऑफ द तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन द लीडर बोर्ड एंड साथ साथ अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आया कोई एलिमेंट आज का नहीं समझ में आया कोई ऑप्शन तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ओके लेट मी सी कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं काफी मिग्ज आंसर्स कुछ ए कुछ बी कुछ ई e. देखिए मुझे यही उम्मीद थी आपसे बिकॉज यू डू नॉट फोकस अलॉट ऑन कॉन्सेप्ट्स आप रटने पे ज्यादा बिलीव करते हैं भाई ज्यादा पेपर पढ़ने से रिसर्च प्रॉब्लम नहीं अच्छी बनती है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगर आपने सौ रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए बट आपने उसको सिस्टमैटिक नहीं पढ़ा सिस्टमैटिकली नहीं पढ़ा कंसेपचुअली नहीं पढ़ा इट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल द एलिमेंट आंसर इज गोइंग टू बी डी नन ऑफ द अव बिकॉज देर हैज टू ब सिस्टमैटिक लिटरेचर दि फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी देर हैज टू बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप रिसर्च गैप होना जरूरी है एंड सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू होना जरूरी है इन दोनों के बेसिस पे आप रिसर्च प्रॉब्लम डेवलप कर सकते हैं और किसी चीज के बेसिस पे नहीं डेवलपमेंट हो सकता ओके नो प्रॉब्लम प्रिया दैट्स कंप्लीटली ओके सो आई होप दैट वी आर रेडी फॉर द स्कोर नाउ तो अब आप लोग मेटी क्यूज छोड़ सकते हैं एंड आप यूट्यूब पे आ सकते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स ताकि हम यहां आ जाए और कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं पहले जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताइए दैट दर यू ऑल हैव बी एबल टू सोल्व ऑल द फिफ्टी क्वेश्चन कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए देन वील मूव टू द स्कोर बोर्ड तब हमर बोर्ड पर चलेंगे वीनिता वील बी डूइंग ये विनीता आई टेक पेपर टू कॉमर्स एज वेल पेपर टू मैनेजमेंट एज वेल एज वेल एज पेपर वन तो ये कोर्सेज मैं पढ़ाता हूं आप अनुजिंदल डॉट इन पे जा सकते हैं आप नाइन 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 फोर डबल सिक्स टू टू फाइव पे जा सकते हैं एंड आप वहां पर इंक्वायर कर सकते हैं ठीक है सो आई बिलीव देर आर नो डाउट्स कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ लीजिए एल्स वी आर मूविंग टू वर्ड्स द स्कोर नाउ जल्दी से स्कोर की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं लीडरशिप बोर्ड में कुछ बदलाव कि नहीं है टूडेज लीडरशिप संगमित्रा मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा लीडर बोर्ड लास्ट में चेंज हुआ है वी हैव अनुष्का एज द हाइस्ट स्कोर देन वी हैव सुमन देन वी हैव संगमित्रा देन वी हैव मौसमी देन वी हैव अभिनय वैशाली शांति रवि श्रीजा एंड स्मरिका तो ये आज का लीडर बोर्ड है हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टॉप परफॉर्मर्स ऑल द टॉप विनर्स दिस इज जस्ट अ लर्निंग एटीट्यूड कीप अ लर्निंग एटीट्यूड कि आपकी खुद की परफॉर्मेंस आपके खुद के स्कोर्स लास्ट टाइम से ठीक होने चाहिए तो यहां पे स्कोर्स देख लीजिए आपके स्कोर सामने लिखे हुए हैं दैट इज सुमन हैज हाँ, सॉरी uh, अनुष्का हैज हाँ, 37,198 पॉइंट्स अपने पॉइंट्स याद रखिए नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा पचास क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने पॉइंट्स देखने हैं कि आपके पॉइंट्स इंप्रूव हुए कि नहीं दैट शुड बी योर होल आइडिया स कॉन्ग्रेचुलेन टू ऑल विनर्स कोई भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कुछ पूछना है आपको प्लीज फील फ्री टू गेट बैक टू मी इन द बॉक्स जल्दी से आप बॉक्स में जाके मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक कि आपको सेशन कैसा लगा कुछ आपके फीडबैक है कुछ आपके सजेशन है लास्ट टाइम मुझे याद है कुछ स्टूडेंट्स ने टाइमिंग बढ़ाने के लिए सजेशन दिया था सो वी हैव केपटेड फोर्टी फाइव सेकंड फ्रॉम थर्टी एंड अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एक वही छोटी सी चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है ठीक है प्रिया आपको आपका स्कोर पता चल गया होगा स्क्रीन पे आई एम वेरी श्योर अबाउट इट जो जो लोग पार्ट लेते हैं उन सबको लास्ट में उनका स्कोर पता चल जाता है ठीक है सो आपको वहां से पता चल गया होगा आई एम श्योर वन का दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर डूइंग इट डेवलपमेंटल रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है बट यू विल हैव टू सी कि वो आप उसको कैसे कर रहे हैं ट इज इंपॉर्टेंट आरती कॉमर्स की टाइमिंग ऐसी है कि सेशन uh, जो होते हैं वो टी टी एस दैट इज ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे को 7 पीएम पे होते हैं आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाती है आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है वहां टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी अपडेट आ जाती है ठीक है तो आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट हैज बीन योर स्कोर एंड हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से लगातार मेंटी क्विज कराते रहें आपको सारे टॉपिक की चाहे वो पेपर वन की हो चाहे वो पेपर टू कॉमर्स की हो या फिर मैनेजमेंट की प्लीज मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए एंड प्लीज अपना स्कोर अगर आपको याद है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वैसे तो यहाँ पे पता चली है बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है कुछ डिस्कस करना है यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ बिकॉज बहुत मेहनत लगी है दोस्तों पचास क्वेश्चन बनाने में ओके थैंक यू सो मच मरिका रितेश आई होप योर डाउट इज क्लियर हेर दित मेथोड और टेक्निक में अंतर नहीं होता दे आर मोरलेस द सेम दोनों तरीके हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने के मौसमी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच पारुल नो प्रॉब्लम शीजा यूर डूइंग फैंटेस्टिकैंक यू सो मच वर्निका थर्टी एट बाय फिफ्टी वंडरफुल स्टोर स्कोर थैंक यू सो मच सुमन बट यू आर डूंग फंटास्टिक वर्क मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू सी सच परफॉर्मेंसेस बस आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी इंप्रूवमेंट होती रहेगी कंसिटेंसी होती रहेगी कॉन्ग्रेचुलेशन अनुका यू आर डूइंग फंटास्टिक थैंक यू सो मच अभिनय यूर डूइंग वंडरफुल बहुत अच्छा स्कोर है आपका भी यू आर डूइंग फंटासटिक है थैंक यू सो मच श्रीदेवी थैंक यू स्नेहा थैंक यू सो मच रवि डूइंग वेरी गुड रवि मौसमी थैंक यू सो मच अनुराधा योर डूइंग गुड प्रिया यूर गोइंग गुड वेरी गुड देखिए सबको बाकी लोगों को भी अपना स्कोर पता चल रहा है तो अगर आपने पार्ट लिया है तो आपको स्कोर जरूर पता चलेगा ठीक है थैंक यू सो मच सुमारिका आई होप यू इंजॉय डे थैंक यू सो मच सुषमा सो दैट वॉज ऑल फॉर टू डे थैंक यू एंड हैव नाइस डे नाउ विल मीट ऑन सैटरडे विथ सम अमेजिंग सेशन आपके टेलीग्राम ग्रुप पे एक पोल डाला है प्लीज उस पोल को जरूर लें बिकॉज उसके बेसिस पे आई एल बी कंडक्टिंग द सैटरडे सेशन ओके तो थैंक यू हैव डे टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बाय